हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कुछ इस तरीके से हमने प्रिंट करवाया था कि यूजर से एक उसका नाम इनपुट लेते हैं, उसके बाद उसका नाम को क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन यूजर से क्या करते हैं, कुछ नंबर भी इनपुट लेते हैं, उस नंबर को भी हम प्रिंट करवाते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद में अब यहीं से ले लें कि क्या करें। अगर आपको जो आपको अच्छा लगता हो, यूज़र इनपुट यहीं से ले लेते हैं। चलिए मैं आप अपना फाइल नया बना लीजिए, एक नया फाइल, या चलिए मैं भी आपके साथ साथ नया बना लेता हूँ एक। तो टच यूजर इनपुट INT यानी इंटीजर नंबर डॉट फाइल बन गया होगा। आ जाओ, यूजर इनपुट INT यानी इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे आ गया। तो अब पहले हम नंबर से यूजर से नंबर लेते हैं, नंबर वन, एक नंबर लेते हैं, एक नंबर वन होगा। उसे बोलेंगे यूजर को इनपुट कर दे भाई, इनपुट कर दे, तो इनपुट कर देगा प्लीज इंटर अ नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर इनपुट कर देगा। उसके बाद फिर हम सेकंड नंबर बोलेंगे नंबर टू, कि भाई दूसरा नंबर भी इंटर कर दे, क्योंकि हमें दो नंबर ऐड चाहिए, भी दो नंबर पे फिर ऐड भी करना है। प्लीज इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ फ़र्क है दोनों में, सेकेंड नंबर भी आ गया। उसके बाद में हम प्रिंट करते हैं, पहले प्रिंट नंबर वन, या नंबर वन नहीं, नंबर यहाँ पे अब मैं करता हूँ सम नाम से, सम मतलब ऐड करना चाहता हूँ, किसको, नंबर वन को, नंबर टू को, नंबर वन प्लस नंबर टू को। अब जो नंबर वन है और नंबर टू है ना, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ऐड करने के बाद में अब इस पे सम पे ले आए, सम पे लाने के बाद मैं सम को प्रिंट कर दे बोलना चाहता हूँ, कि सम जो है ना उसको प्रिंट कर दे, तो सम को प्रिंट कर दे, देखते हैं क्या करता है ये, प्रिंट करवाता है कि नहीं करवाता। पहले क्या करते हैं, पाइथन करते हैं यूजर इनपुट, देखिए भाई नाम भी सेम होना चाहिए, INT डॉट फाइल, ये देखिए क्या कह रहा है ये यूज़र। अच्छा, यूज़र का नाम ही मिस्टेक हो गया है, तभी तो बोल रहा हूँ, तो डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रहा, इसीलिए मैं बड़ा नाम ले लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता, यूज़र इनपुट INT डॉट फाइल। क्या हुआ, कैनॉट फाउंड पाइथन, पाइथन लिखना बोल गया था। नाम जब भी लिखे ना, तो आप छोटा सा नाम लिखे, मैं आपको समझाने के लिए सही लिखा था बड़ा, यूजर इनपुट INT डॉट फाइल, ये आ गया। इंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है, तो पहले नंबर मैं चलो टू कर देता हूँ, पहला नंबर बोला, सेकंड नंबर इंटर कर, इसको भी टू करवा देते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है ये, 22 बना दे रहा है, जो कि एक और दो को जब ऐड करो तो 22 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 4, लेकिन ये आंसर मुझे दे रहा 22। क्यों, क्योंकि ये जो अंदर होता है ना, इसके अंदर ये होता है स्ट्रिंग, तो जब आप इस आप जो 22 को ऐड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या ही समझेगा ये, कि कुछ इस तरह से समझेगा, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था राजेश यादव, जब ऐड किया था क्या बन गया था, राजेश यादव बन गया था, है ना, ऐसे जुट गया था, राजेश यादव बन गया था। तो ये भी वैसे ही समझेगा, सेम उसी तरीके से समझेगा ये, कि ए बोल रहा जो स्ट्रिंग आ रहा है टू और फिर टू, तो इसको ऐड कर दो तो कर देगा 22, यानी कि दो, ये दोनों को एहसान करवा देगा। सेम उसी तरीके से, इस तरीके से राजेश यादव को कर रहा था, क्योंकि जब ये इस ब्रैकेट, ये जो कामा है ना, डबल कामा, जो इसके अंदर आता है ना, वो हमेशा स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग कभी भी 2 to 4 नहीं होता, स्ट्रिंग हमेशा जो होता है वही सेम यहाँ पे आ जाता है। तो अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कि हमें आंसर चाहिए था 4, लेकिन आंसर आ गया 22। तो अब हम इसे किस तरीके से कन्वर्ट करवा सकते हैं INT में, यानी कि जब ये 22 स्ट्रिंग है, अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है। देखिए जो डबल कोट के अंदर होगा, तो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग आने के बाद में जो प्लस होगा ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो आंसर होगा वही आएगा, 22 है 22 आएगा, 4 4 है 4 4 आएगा,
फाइव फाइव तो फाइव फाइव आएगा। तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पे फोर ना बाईस ना आके इसको हम किस तरीके से फोर ला सकते हैं ये हमें अब जानना है। तो फोर एक कब आता है, जब इंटीजर होता है। तो क्या होता है, कब आता है, इंटीजर होता है, यानी कि जब ये क्या होगा, आईएनटी होगा। तो आईएनटी होने के लिए इसको दोनों दोनों को टू टू प्लस टू प्लस टू को इसको अंदर इसके अंदर कर दो, जो आईएनटी जो यहाँ पे आ रहा है ना टू प्लस टू इसके अंदर कर दो आईएनटी और इसके अंदर, यानी कि जो ये आ रहा है ना जो ये फर्स्ट और सेकेंड आ रहा है ना इन दोनों को आईएनटी के अंदर कर दो, आईएनटी के अंदर दोनों को, इसको भी आईएनटी के अंदर, यानी कि अब जो भी यहाँ देगा नंबर वो आईएनटी में चला चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक ऐसे। अब देखो अब क्या हो रहा है कि ये जो नंबर इनपुट कर रहा है यूज़र, पहले इनपुट किया तो किस में किया, स्ट्रीम में किया, लेकिन ये जो आईएनटी है ना ये ब्रैकेट लगाने के बाद में इसके अंदर जितना भी ये आ रहा है इतना ये सारा इन सब को ये आईएनटी में चेंज कर देगा। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना आ रहा है, प्लीज इंटर फर्स्ट टू कर दिया, टू कर दिया, देखिए फोर आ गया, क्योंकि क्या किया इसने ये जो आईएनटी है ना इसने इन सब को चेंज कर दिया। अगर आप ये हटा दें आईएनटी तो ये फिर वही स्ट्रिंग बन जाएगा, तो नहीं कर सकता, यानी कि देखिए यहाँ पे सेम इसको इसको समझिए आप तो आप समझ सकते हैं, जो भी यहाँ पे इनपुट करेगा एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि टू किया इंटर, तो यहाँ पे टू करने के बाद में ये टू हो गया प्लस ये टू हो गया, तो टू प्लस टू जितना भी होता है उसको इंटीजर में ऐड कर बोल रहा है ये, यानी कि ये टू जो दे रहा है यहाँ से उसको भी इंटीजर आ गया, यानी कि अब स्ट्रिंग नहीं है ये, इसका मतलब कि ये इसका मतलब कुछ भी नहीं है, अब ये इंटीजर है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर से ब्रैकेट लगा दिया है दोनों साइड से। देखिए ये पहला आइडिया है, और दूसरा आइडिया भी आपको इस तरीके से भी आप करवा कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, लेकिन ये छोटा प्रोग्राम तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया, या आप दूसरा भी आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि आप जो नंबर पहला नंबर आपको मिला है यूजर से जो नंबर मिला है ये नंबर मिला है इस पर नंबर मिला होगा ना, तो जो भी नंबर मिला हो नंबर वन हो मिलेगा उस नंबर को आप आईएनटी में कन्वर्ट कर लो यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो जो भी यूजर इनपुट करेगा वो आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंजिंग वेरिएबल इनटू इंटीजर, आईएनटी करता हूँ बस, वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं आईएनटी में, जैसे कि देखिए ये जो नंबर कोई भी नंबर यूजर वो इनपुट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नंबर वन लिखें या नंबर टू लिखें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको कन्फ्यूज हो रहे हैं कि नंब क्यों हम दोनों सेम लिखे हैं तो ये आपकी गलती है, आप यहाँ पे नंबर लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी यहाँ से यहाँ पे जो इनपुट कर रहा है ना वो यहाँ पे आ रहा है, ए नंबर यहाँ पे आ गया, अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर से असाइन करवा दिया नंबर वन पे, यानी नंबर वन करो या आप नंबर सेम वही करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आ गया आपको। इसी तरीके से नंबर टू रखिए और फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए, किसको करना है टू को है ना, तो आप फिर वही आपको आईएनटी टू कर दीजिए बस, आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं, देखिए आंसर सेम आएगा। थोड़ा इसको पल जाते हैं, अच्छा आप भी नहीं जाओगे भाई, टू कर दिया, टू कर दिया, अच्छा क्या कह रहा है कि यूजर इनपुट लाइन नंबर सिक्स, अच्छा लाइन नंबर सिक्स में कहीं प्रॉब्लम है, लाइन नंबर सिक्स यहाँ पे क्या, और अच्छा ये देखिए यहाँ पे आई एन टी हो गया, यहाँ पे नंबर होना चाहिए था नंबर टू, आप देखते हैं फिर दोबारा से कर सकते हैं इसको, अच्छा मैं यहाँ पे साइन लगा थोड़ा इस पर देता हूँ आपको मज़ा नहीं आ रहा है, ये हो गया इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये देखिए पहले नंबर इम्प्रूव करके बोल रहा है टू कर दिया, दूसरा बोल रहा है थ्री कर दिया, देखिए फाइव आ गया। तो आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो आप अगर छोटा सा अगर आपको करना है तो आप यहाँ से ना करके आप सीधा यहीं से आईएनटी में आईएनटी लिखिए, उस ब्रैकेट में रख दीजिए जितना भी इनपुट कर रहा है यूजर सारा को, सबको मतलब सबको ब्रैकेट में रख लीजिए, अब जो आएगा यूजर इनपुट में आ जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आपको रखना है तो आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं आपकी मर्जी। तो ये था हमारा थोड़ा यूजर से इनपुट ले के किस तरीके से हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो ये था थोड़ा आइडिया, और बाकी जो थोड़ा बहुत और है अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ पढ़ते हैं पढ़ेंगे नेक्स्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।